पीछे आप देख सकते हैं मुर्गे हैं, यहाँ पर जैन का बाबा के केवल मुर्गे चढ़ते हैं, मगर चलते हैं यहाँ पर मुर्गे चढ़ते हैं, मगर ये हल्का काम कर चलाते हैं। तो दोस्तों अब मैं आपको लेके चलता हूँ मीरा बाबा धाम के दरबार, और आपको दिखाता हूँ मीरा बाबा का दरबार, जैन का मंदिर और काली माता का मंदिर। तो जैसे कि आप देख सकते हो ये मैंने एंट्री कर ली है, और आप मेरे पीछे देख सकते हो यहाँ पर जो है सभी श्रद्धालु जाते हैं मीरा बाबा धाम के दर्शन करने के लिए। और आज है मंगलवार, तो आज जो है दरबार तो खुला हुआ है लेकिन भक्त आज नहीं आए हुए हैं। तो आज मैं आपको कम्प्लीट पूरा मीरा बाबा धाम का जो है दर्शन कराने वाला हूँ इस वीडियो में। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर है निःशुल्क धर्मशाला, यदि कोई भी पर्यटक यहाँ से या दूर से कोई भी श्रद्धालु दर्शन करने के लिए यहाँ आते हैं तो यहाँ पर जो है निःशुल्क धर्मशाला की भी सुविधा दी गई है मीरा बाबा धाम के दर्शन करने के लिए। जैसे कि आप देख सकते हो मेरे पीछे अभी जो है इस टाइम कोई भी श्रद्धालु यहाँ मौजूद नहीं है। तो अब मैं आपको लेके चलता हूँ मीरा बाबा धाम और जैन का मंदिर। तो यहाँ जैसे देख सकते हो यहाँ से जो है हम एंट्री करेंगे, तो मैंने जो है एंट्री कर ली है। तो सभी कमेंट में लिखना जय मीरा बाबा की। तो फाइनली मैं आ चुका हूँ यहाँ पर, और मेरे पीछे जो है मीरा बाबा का दरबार है। तो अब हम चलते हैं अंदर और दिखाते हैं आपको कि अमरोहा के जो मीरा बाबा दरबार है वो कैसा है। दोस्तों मीरा बाबा का दरबार ये है, तो इसके अंदर हम आ गए हैं, अब आपको दिखाते हैं। ये देखो दोस्तों ये है मीरा बाबा का दरबार। आपको जो है ये मीरा बाबा का दरबार कैसा दिख रहा है आप जो है कमेंट करके ज़रूर बताना। दोस्तों आज भी इस दरबार में जो है बकरे की बलि दी जाती है, ये बिल्कुल सही बात है, आपने सुना होगा। दोस्तों इस जगह पर जो है बकरे की बलि दी जाती है, बकरे का जो कान होता है बकरे के कान में कट लगा दिया जाता है इस जगह, और इस दरबार में बकरे की बलि देने के बाद उसे छोड़ दिया जाता है। दोस्तों आपको मीरा बाबा का दरबार कैसा लगा आप कमेंट करना। तो दोस्तों यहाँ पर जो है जैन का बाबा का जो स्थान है, यहाँ पर जैन का बाबा रहते हैं। तो अब जो है मैं आपको जैन का बाबा का दर्शन कराता हूँ। दोस्तों ये देखो ये है जैन का बाबा का स्थान, तो आज हम आपको यहाँ लाए थे घुमाने के लिए, और आज आप दर्शन कर सकते हो कि जैन का बाबा का जो स्थान है वो कैसा है। तो जैसे कि आप देख सकते हो ये जैन का बाबा का स्थान है, और यहाँ पर जो है देसी मुर्गों की बलि चढ़ाई जाती है, ये एक अफवाह है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जैन का बाबा के जो देसी मुर्गे होते हैं उनके जो कानों का एक छोटा सा भाग यहाँ पर बलि के रूप में भेंट किया जाता है। केवल भक्त अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए एक देसी मुर्गा लेते हैं और उसकी थोड़ी सी हिस्से की जो यहाँ पर भेंट दी जाती है, केवल पूरी तरह से जो है यहाँ बलि नहीं चढ़ती है जैन का बाबा के मुर्गे की। दोस्तों जैन का बाबा स्थान के दर्शन कराने के बाद अब आप देख सकते हो ये है काली माता का मंदिर। तो अब मैं आपको कराता हूँ काली माता मंदिर के दर्शन। ये है माता काली, तो कमेंट में सब लिखना जय माता की। तो अब जो है हमने तो दर्शन कर लिए हैं, अब हम कराते हैं आपको। यहाँ पर आप देख सकते हो माता काली जी जो है की जो प्रतिमा है वो कितनी खूबसूरत है। आप मुर्गे चढ़ते हैं देख सकते हो यहाँ पर जो है पीछे आप देख सकते हो ये मुर्गे हैं, यहाँ पर जैन का बाबा के केवल मुर्गे चढ़ते हैं। और अक्सर लोग बहुत से आपने सुना होगा कि बहुत सी वीडियो में देखा भी होगा कि यहाँ पर बकरे चढ़ा जाते हैं, ये सब झूठ है, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता, ये सिर्फ एक अफवाह फैलाई जा रही है कि यहाँ पर बकरे चढ़ा जाते हैं। सिर्फ यहाँ पर भक्त आते हैं अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए, लेकिन यहाँ पर सिर्फ जैन का बाबा के ही जो है मुर्गे चढ़ाए जाते हैं और बाकी कुछ चढ़ते हैं, और बाकी ये हैंगे इनसे बोलो अंकल जी से, अंकल जी
मगर चलते हैं यहाँ पर, मुर्गे भी चलते हैं, मगर ये हल्का कान में कट लगाते हैं। मतलब यहाँ पर केवल कह सकते हैं हम प्रसाद के तरह ही उनके जो कानों की होती है केवल थोड़ा सा ही आहुति दी जाती है, यानी कि पूरी तरह से जो है उनको हलाल नहीं किया जाता, ये कहने का ये है। तो ये सब झूठ बातें थी, आपने आज देख लिया कि सच्चाई क्या थी मेरा बाबा धाम की। तो आपको ये जो जानकारी है कैसे लगी, आप इसके बारे में अपनी राय जरूर देना। और कल को मैं आता हूँ यहाँ पर, कल को जो यहाँ पर सब भक्तांगे, वैसे आज मंगलवार है, आज शाम को यहाँ पर जो है काफ़ी संख्या में भक्त आने की संभावना है, ये अभी मुझको पता चला है। तो यहाँ पर जो है मैं पहली बार आया हूँ, इस वजह से मुझे यहाँ पर जो है ज़्यादा जानकारी नहीं थी, जिस वजह से मैं आपको नहीं बता पाया। तो हम आते हैं कल, और कल दिखाते हैं हम आपको यहाँ पर आकर जो भक्त आते हैं वो कितनी संख्या में आते हैं। तो तब तक के लिए टाटा एंड बाय।